हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूँ। आज का लेक्चर हमारा इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन एंड से रिलेटेड थर्ड लेक्चर रहेगा। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है उसके अंदर जो हमारा सॉइल एक एबायोटिक फैक्टर है उसके बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने जो टेम्परेचर है और जो हमारी लाइट है, जो दोनों के दोनों हमारे किसके अंदर इंक्लूड रहेंगे, जो हमारे एबायोटिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है। और आज हम यहाँ पे बात करते हैं सोइल के बारे में कि जो सोइल है वो हमारा किस तरीके से यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर होके किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे बायोटिक फैक्टर है उनको यहाँ पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें सोइल के लिए, तो सोइल क्या होता है? सोइल ऑक्यूपाइज एन एसेंशियल प्लेस इन द बायोस्फेयर, द लाइफ जोन ऑफ द अर्थ। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस दैट फॉर्म द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इट इज नॉट जस्ट ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स बट ऑल्सो हैज बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अदर कंपोनेंट्स विच इज रेफर्ड एज द सॉइल कॉम्प्लेक्स। अब जो यहाँ पे हम सॉइल को डिफाइन कर रहे हैं ना, सॉइल का मतलब यहाँ पे सिर्फ यू नहीं है कि हमारे जो मिनरल्स है उनका यहाँ पे एक मिक्सचर हो गया। सॉइल हमारा क्या होता है? सॉइल के अंदर हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम भी हमारे यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अदर कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सॉइल को जस्ट सॉइल ना बोल के हम यहाँ पे इसको क्या यहाँ पे डिफाइन करते हैं, सॉइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग हमारे यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे पांच मेजर यहाँ पे कंपोनेंट लेके चलते हैं। सॉइल कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ फाइव कॉम्पोनेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पांच कॉम्पोनेंट इसके मेजर रहेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्या आता है? मिनरल मैटर। ठीक है, इट इज मिक्सचर ऑफ मिनरल प्रोडक्ट पार्टिकल्स, जो हमारे मिनरल पार्टिकल्स है उन्हीं का हम यहाँ पे जो मिक्सचर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिनरल मैटर। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे पांच कंपोनेंट है उसमें से फर्स्ट हमारे यहाँ पे मिनरल मैटर हो गया। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या आता है? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ये हमारा क्या होता है? इट इज द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ड्राइव्ड फ्रॉम द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एडिशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ग्रोविंग अबो एंड बिलो द ग्राउंड। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ह्यूमस। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ह्यूमस भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जो हमारे यहाँ पे पांच कंपोनेंट है ना सॉइल कॉम्प्लेक्स के, उसी में से यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा। ठीक है, और ये हमारा ड्राइव कहाँ से होता है? जो हमारे यहाँ पे शॉर्ट या फिर लॉन्ग टर्म जो हमारे यहाँ पे एडिशन हो रहा है मटेरियल का। ठीक है, और ये मटेरियल हमारा कहाँ से आ रहा है? जो हमारे यहाँ पे ग्रोविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो हमारे अबो और बिलो ग्राउंड के जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो उनसे जो हमारे यहाँ पे मटेरियल आ रहा है, ठीक है, उनकी कंटिन्यू एडिशन से, लॉन्ग टर्म एडिशन और शॉर्ट टर्म एडिशन से हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर या फिर ह्यूमस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कॉम्पोनेंट क्या होगा? सॉइल वाटर, रेफर टू ऑल वाटर कंटेंट इन द सॉइल। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है? सॉइल एटमोस्फेयर। इट डिफाइन द पोर स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द वाटर एट एनी गिवन टाइम। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे सॉइल्स है, सॉइल के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पे क्या होगा? कुछ हमारा यहाँ पे स्पेस रहता है, उस स्पेस के अंदर यहाँ पे हमारा वाटर भी हो सकता है। ठीक है, और उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? सॉइल वाटर बोलेंगे। और उसके अलावा कुछ हमारा ऐसा स्पेस भी यहाँ पे हो सकता है कि जो कि हमारे यहाँ पे वैकेंट रहे। ठीक है, और जो हमारा ये वैकेंट स्पेस होगा उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? सॉइल एटमोस्फेयर। ठीक है, लास्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है? बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, वो सब हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेंगे? जो हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम होगा। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे सॉइल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे पांच अलग अलग इसके कॉम्पोनेंट है: मिनरल मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर, सॉइल एटमोस्फेयर एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की। जो हमारी यहाँ पे सॉइल है उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से यहाँ पे होती है? सॉइल फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो हमारी यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे दो कैटेगरीज या फिर हम कह सकते हैं कि दो स्टेप्स के अंदर हमने उसको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है? वेदरिंग, ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज रॉक्स इंटू स्मॉल फाइन पार्टिकल्स। स्टार्टिंग में क्या था? देखो, जब हमारे यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर थी, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज रॉक्स होती है यहाँ पे, ठीक है, बड़ी बड़ी यहाँ पे रॉक्स होंगी और उनका यहाँ पे क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, फिजिकली केमिकली उनका यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और उससे यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारी लार्ज रॉक्स है वे हमारी कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉल फाइन पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? वेदरिंग। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है? सॉइल डेवलपमेंट और पीडोजेनेसिस। पहले यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे लार्ज रॉक्स थी,
जो हमारे यहाँ पे लार्ज रॉक्स थी वो हमारे यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गई, जो हमारे यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ये हमारे यहाँ पे डिवाइड हो गई। अब जो यहाँ पे ये स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर हमारे यहाँ पे जो डिवाइड, जो यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन हुई है, अब ये हमारी यूं नहीं है कि हमारी जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ के लिए हमारे यहाँ पे फेवरेबल हो गई है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ये सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारे लार्ज रॉक्स थे उनके यहाँ पे हमारे स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन हुई है सिर्फ, ये अभी तक प्लांट की ग्रोथ के लिए हमारे यहाँ पे सस्टेबल नहीं हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमारे यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर हमारे यहाँ पे या फिर मिनरल्स हमारे यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होगी, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे एक ट्रू सॉइल के अंदर हमारी कन्वर्ट होगी, और ये जो हमारे यहाँ पे ट्रू सॉइल होगी ना, ये हमारी क्या होती है, ये हमारे प्लांट के लिए हमारे यहाँ पे फेवरेबल रहेगी, इसी के अंदर हमारे यहाँ पे प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है, इन स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर हमारे यहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं जिसके वजह से हमारे यहाँ पे प्लांट ग्रो कर पाए। ठीक है, तो जो हमारी ये स्मॉल पार्टिकल्स है, ठीक है, विदरिंग जो हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स है, तो उनके हम यहाँ पे जो ट्रू सोइल के अंदर जो हमारे यहाँ पे कन्वर्जन होती है, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, सोइल डेवलपमेंट या फिर पीडोजेनेसिस, मॉडिफिकेशन ऑफ द मिनरल मैटर थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोलॉजिकल टोपोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक इफेक्ट्स, विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ द पोटेंशियल सोइल टाइप। ठीक है, और उसी से हमारे यहाँ पे किस तरीके से हमारे यहाँ पे अलग अलग हमारे यहाँ पे जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स है या फिर हमारे यहाँ पे जो उसके अंदर टोपोग्राफिकल क्लाइमेटिक या फिर हमारे जो अलग अलग यहाँ पे चेंजेस जो उसके अंदर हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे जो हमारे ऐड हो रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है वो यहाँ पे हमारी डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिलती है। आगे हम जैसे कि स्टडी करेंगे कि हमारे यहाँ पे सॉइल अलग अलग टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो वो हमारे किसके ऊपर रहती है, जो हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल टोपोग्राफिकल या फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जो कि हमारे यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन को, ट्रू सॉइल फॉर्मेशन को हमारे यहाँ पे अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे दो टाइप बताए हैं, एक हमने यहाँ पे विदरिंग की बात की है, एक हमने यहाँ पे जो पेडोजेनेसिस की जो बात की है, तो इन्हीं को अगर हम यहाँ पे इलाबोरेटेड करके बढ़ते हैं, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारी विदरिंग है ये क्या रहेगी, इट इंक्लूड द फिजिकल और केमिकल डिस्ट्रप्शन ऑफ द बेयर रॉक्स। जो हमारे यहाँ पे इनिशियली जो लार्ज रॉक्स थी उनका यहाँ पे क्या होना है, उनका हमारे यहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो जाए, कैसे, फिजिकली या फिर केमिकली, या तो वे डायरेक्टली हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फिजिकली पावर के थ्रू ही हमारे यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर हमारे डिवाइड हो जाएंगे, या फिर उनके अंदर यहाँ पे हमें कुछ केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे बेयर रॉक्स है वो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पहले फिजिकल वेदरिंग के लिए, तो ये हमारा क्या होता है, इट इंक्लूड द एक्शन ऑफ वाटर, टेम्परेचर, ग्लेशियर, ग्रेविटी एक्सेट्रा, विच लीड्स टू द रॉक वेदरिंग वाया फ्रीजिंग, ग्लेशिएशन, हीटिंग, कूलिंग, वेटिंग ड्राई, सोल्यूशन, सैंड ब्लास्ट एक्सेट्रा। जो हमारे यहाँ पे वाटर, टेम्परेचर, ग्लेशियर, ग्रेविटी ये सब जाती, ये हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेदरिंग करेंगे, और ये किसके थ्रू करते हैं, किन किन प्रोसेस के थ्रू ये कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रीजिंग के थ्रू कर सकते हैं, ग्लेशिएशन के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं, हीटिंग कूलिंग यहाँ पे, जिसके थ्रू यहाँ पे जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स है, लार्ज जो हमारे यहाँ पे रॉक्स है वो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर यहाँ पे हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी, वेटिंग ड्राई। ठीक है, उसके अलावा सोल्यूशन फॉर्मेशन या फिर सैंड ब्लास्ट। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे टाइप कौन सा होता था, केमिकल वेदरिंग। इसके अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, चिलेशन, कार्बोनेशन एक्सेट्रा। दिस इज डन बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स, केमिकल प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एंड द केमिकल रिलीज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, लाइक लाइकन्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। जो हमारे यहाँ पे सॉइल थी इनिशियली, जो हमारे यहाँ पे रॉक्स थी, ठीक है, सॉइल हम उसको यहाँ पे भी नहीं बोलते, तो यहाँ पे अगर हम उनको यहाँ पे रॉक से डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे उस रॉक के अंदर भी जो हमारे यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन थी, ठीक है, वो जब हमारे यहाँ पे ब्रेक हो रही थी, तो उस टाइम पे जो उसकी केमिकल कंपोजिशन थी उसकी वजह से, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एटमोस्फेयर के अंदर, जिस एटमोस्फेयर के अंदर हमारे यहाँ पे रॉक है, उसके एटमोस्फेयर के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर जो हमारे यहाँ पे केमिकल प्रेजेंट थे, उसके अलावा कुछ हमारे ऐसे केमिकल भी होते हैं जो कि हमारे जैसे कि लाइकन, बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हमारे क्या करते हैं, रिलीज करेंगे। ये सब जो हमारे यहाँ पे केमिकल्स है, केमिकल कंपोजिशन वाले, या फिर जो एटमोस्फेयर के अंदर थे, या फिर जो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे रिलीज किए गए थे, ये सब जो हमारे यहाँ पे केमिकल है वो क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे रॉक्स हैं उनके अंदर डिफरेंट यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इंड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यहाँ पे इंड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे इंड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रेशन, चिलेशन एंड कार्बोनेशन। ये जो हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो हमने यहाँ पे रिएक्शन की बात की है, इनके थ्रू क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे लार्ज रॉक्स थी वे हमारे यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर हमारी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होती है, जो हमारी फीदरिंग रहेगी, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे फिजिकल और केमिकल हमारे यहाँ पे विदरिंग हो सकती है, और जो हमारे यहाँ पे केमिकल विदरिंग है इसी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे केमिकली इंडक्शन भी हो सकता है, और जो हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम है उनके थ्रू भी यहाँ पे इंडक्शन हो सकता है। क्लियर है,
नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पीडोजेनेसिस के लिए, जो हमारे यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे हमारे बन गए, लेकिन उसको ट्रू सॉल के अंदर भी कन्वर्ट होने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर यहाँ पे हमें अलग अलग चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सोइल रिजल्टिंग फ्रॉम द वेदरिंग इज नॉट द ट्रू सॉइल इन विच द प्लांट कैन नॉट ग्रो। जो हमारे यहाँ पे वेदरिंग, जो हमारे यहाँ पे सॉइल हुई है अभी, स्मॉल पार्टिकल्स है जो हमारे यहाँ पे, वो अभी तक हमारे यहाँ पे ट्रू सॉइल नहीं है, और उनके अंदर जो हमारे प्लांट्स है वो अभी यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो। दिस वेदर्ड सॉइल अंडरगो पीडोजेनेसिस टू प्रोड्यूस द ट्रू सॉइल, और जो यहाँ पे हमारे ट्रू सॉइल की फॉर्मेशन जो होनी है वेदर्ड जो हमारे यहाँ पे सॉइल है उससे, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, पीडोजेनेसिस, ट्रू सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर हम उसको सॉइल डेवलपमेंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं। इट इज द बायोलॉजिकल फेनोमेना इन विच लाइकन, बैक्टीरिया, फंजाई, मोलस्कस, एल्गी एक्सेट्रा सिक्रीट सम एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड, CO2 प्रोडक्शन और एडिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर देयर डेथ। दिस केमिकल इंड्यूस जियोकेमिकल, बायोकेमिकल और बायोफिजिकल चेंजेस विच कन्वर्ट द क्रस्ट ऑफ द वेदर्ड रॉक्स डेब्रिज इनटू द ट्रू सॉइल। देखो, जो हमारे यहाँ पे केमिकल वेदरिंग हो रही थी उसी के अंदर हमने एक यहाँ पे कंपोनेंट क्या लिया था, जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम थे वो क्या कर रहे थे, केमिकल रिलीज कर रहे थे, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे लार्ज जो हमारे यहाँ पे रॉक्स थी वो हमारी क्या हो रही थी, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड हो रही थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पीडोजेनेसिस के अंदर, तो पीडोजेनेसिस के अंदर हमारे फिजिकल केमिकल का हमारे यहाँ पे कोई रोल ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, वे केमिकल जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारे यहाँ पे रिलीज हो रहे थे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ हमारे ऐसे बायोलॉजिकल यहाँ पे फेनोमेना होंगे जिसके अंदर हमारे यहाँ पे लाइकन, बैक्टीरिया, फंजाई, मोलस्कस, एल्गी ये सब हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड, CO2 प्रोड्यूस करेंगे, उसके अलावा कुछ हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ पे रिलीज करेंगे उनकी डेथ के बाद। ठीक है, और ये सब जो हमारे यहाँ पे केमिकल्स रिलीज हुए हैं ये हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे जो विदर्ड स्टॉक थी उसके अंदर हमारे यहाँ पे जियोकेमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल चेंजेस यहाँ पे इंड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे क्रस्ट जो हमारे यहाँ पे सॉइल थी, यानी कि जो हमारे विदर्ड जो हमारे यहाँ पे सॉइल थी वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रू सॉइल के अंदर, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो प्लांट है वो हमारे यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल के लिए। सॉइल प्रोफाइल हमारा क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सॉइल को लेके चलते हैं तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे अलग अलग लेयर्स के हमारे यहाँ पे होती है, जो हमारे यहाँ पे अपर सरफेस होता है, और अगर हम यहाँ पे कोर मेंटल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग हमारे यहाँ पे लेयर्स को, जो हमारे यहाँ पे सॉइल है उसको हम यहाँ पे अलग अलग लेयर्स के अंदर हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अलग अलग ओरिजिन के अंदर हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, और इन सब की यहाँ पे जो स्टडी होती है, इनको जो हमने यहाँ पे एक लेयर के अंदर जो हमने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजन हो गया, ए ओरिजन, बी ओरिजन, सी ओरिजन, और जो हमारे यहाँ पे आर ओरिजन है, तो जो हमारे यहाँ पे अपर जो लेयर है उससे अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करके, या फिर जो हमारे यहाँ पे लोअर जो हमारे यहाँ पे लेयर है, अगर हम यहाँ पे इन दोनों की अगर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इनके अंदर हमारे यहाँ पे बीच में कौन कौन सी हमारी लेयर आ रही है, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें सॉइल प्रोफाइल के लिए, इट इज द सीक्वेंस एंड द नेचर ऑफ द लेयर सुपर इम्पोज वन अबव द अदर एंड एक्सपोज इन ए पिट सेक्शन डग थ्रू द सॉइल मेंटल। अगर हम यहाँ पे जो अपर जो हमारे यहाँ पे लेयर है वहां से अगर हम स्टार्ट करके जो हमारी सॉइल मेंटल जो हमारी बिल्कुल सेंटर यहाँ पे अर्थ का होता है, अगर हम वहां तक इसको लेके चलते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे अलग अलग जो हमारे यहाँ पे लेयर रहती है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सुपर इम्पोज लेयर का जो हमारा एक सीक्वेंस या फिर उनका जो नेचर रहेगा, उन सबको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। अब उसी के अंदर यहाँ पे हमारी एक टर्म आती है पिडोन। पिडोन हमारा क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल नीडेड टू गिव ए फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेरिएबिलिटी ऑफ द सॉइल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे अलग अलग लेयर्स हो सकती है, तो जो हमारी सॉइल है उसकी मिनिमम या फिर हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट जो हमारे यहाँ पे 3 डायमेंशनल जो वॉल्यूम होगी सॉइल की, जिसके थ्रू जो हमारे यहाँ पे अलग अलग लेयर्स है, जो हमारे यहाँ पे ओरिजेंटल जो वेरिएबिलिटी है सॉइल की, उसकी हम यहाँ पे कंप्लीट अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो जो हमारे ये मिनिमम जो हमारा 3 डायमेंशनल वॉल्यूम है ना, उसी को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, पिडोन। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारी सॉइल प्रोफाइल है उसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन कौन से ओरिजन आते हैं, द प्रिंसिपल ओरिजन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे जैसे कि इस डायग्राम के अंदर भी हमने बताया था ना कि यहाँ पे हमारे अलग अलग इसके ओरिजन होंगे, तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें ओरिजन के लिए, तो इसमें क्या होता है, इट कंप्राइजेस फ्रेश एंड पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, इट इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब लेयर। अब जैसे कि हमने बताया कि जो हमारी ओरिजन है वो हमारा सबसे ऊपर ही है, तो सबसे ऊपर अगर यहाँ पे लेयर होती है तो उसके ऊपर हमारे क्या होंगे, जो हमारे फ्रेश यहाँ पे लीव्स जो इसके ऊपर अभी आए हैं, जो हमारे डेड लीव्स है वो हमारे यहाँ पे जो इसके ऊपर गिरे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ हमारे जो लिविंग एनिमल्स भी है, ठीक है, तो उनका जो यहाँ पे केमिकल जो रिलीज करते हैं एक्सक्रेटा वगैरह जो होगा, या फिर
जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है उनकी जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स या फिर जो उनके ऑर्गन यहाँ पे हमारे गिरे हैं तो वो सब हमारे यहाँ पे किसके पे आएंगे, जो हमारे यहाँ पे ओरिजन होगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर ही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, इट कंप्राइजेस फ्रेश एंड पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। और इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो सब लेयर के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होगा, O1, या फिर हम कह सकते हैं AOO रीजन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इसमें देखो, जो हमारा सबसे ऊपर का जो हमारे यहाँ पे लेयर होगा उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओ रीजन, है ना। तो इसके हमारे दो यहाँ पे सब लेयर होंगी, O1 एंड O2, और इसी को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, O1 को हमारे यहाँ पे क्या दे देंगे, AOO, और इसको हम यहाँ पे क्या बोल लेंगे, A0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आएगा, जो सबसे ऊपर यानी कि जो हमारे यहाँ पे O1, या फिर हम कह सकते हैं जिसको AOO या फिर 00। ठीक है, AOO आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, O1। तो ये हमारा रीजन कौन सा होता है, अपर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ फ्रेशली फॉलन डेड ऑर्गेनिक मैटर एज द डेड लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस, बॉडी पार्ट्स ऑफ द डेड एनिमल्स एक्सेट्रा। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसके ऊपर तो हमारे यहाँ पे यही रहेंगे ना, जो हमारे यहाँ पे डेड मैटर होगा या फिर जो हमारे यहाँ पे फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे लेयर कौन सी आएगी, अब ओ है, ये हमारा कौन सा था, O1 था, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा यहाँ पे, O2। ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, A0 रीजन भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन बिगन इन दिस लेयर। देखो, जो हमारे यहाँ पे O1 लेयर थी उसके ऊपर तो हमारे यहाँ पे जो डेड मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर थे वो हमारे यहाँ पे गिरे थे। जो इनके डिकम्पोजिशन है वो हमारे कहाँ पे स्टार्ट होती है, जस्ट इसके जो हमारे यहाँ पे नीचे लेयर होगी A0 या फिर O2। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो जाती है। इट लोअर रीजन कंटेन फेयरली डिकम्पोज मैटर कॉल्ड द डस्ट। और इसी की जो हमारे यहाँ पे नीचे वाली लेयर जो होगी, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे O2 है, O2 के नीचे जो हमारे यहाँ पे नीचे वाला जो पोर्शन होगा ना, इसी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, डफ हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। डफ क्या होते हैं, जो हमारे पार्शियली डिकम्पोज जो हमारे यहाँ पे सॉइल होगी या फिर जो हमारे यहाँ पे मैटर होगा। ठीक है, पार्शियली, पार्शियली डिकम्पोज, हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हमारी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। अब यूं तो है नहीं कि एकदम से यहाँ पे हमारी डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारे पार्शियली डिकम्पोज जो हमारे यहाँ पे मटेरियल होगा उसी को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, डफ, और ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, O2 के अंदर या फिर ओ ओरिजिन के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, ए ओरिजिन आएगा। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे कौन सा था, ए ओरिजिन था, और इसके भी यहाँ पे हमारी दो अलग अलग सब लेयर थी, A1 एंड A2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन्हीं के बारे में स्टडी करके चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए ओरिजिन के लिए, तो इसके अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड मिनरल ओरिजिन रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक मैटर रिच हो जाएगा। ठीक है, सो डाउनवर्ड लॉस ऑफ द सोल्यूबल साल्ट ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ इल्यूविएशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे सोल्यूबल, जो हमारे यहाँ पे सोल्ट थे, जो हमारे यहाँ पे मिनरल्स वगैरह थे, उनकी यहाँ पे हमें डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है, डाउनवर्ड लॉस ऑफ द सोल्यूबल साल्ट। और जो हमारे ये डाउनवर्ड लॉस जो हमारे यहाँ पे हो रहा है, डाउनवर्ड जो हमारे यहाँ पे मूवमेंट होती है सोल्ट की या फिर मिनरल्स की, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इल्यूविएशन। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे ए ओरिजन है ना, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इल्यूविएशन। इट कंप्राइजेस द फॉलोइंग सब लेयर। अब इसके भी यहाँ पे हमने दो अलग अलग सब लेयर बताई थी, A1 एंड A2। ठीक है, तो A1 के अंदर वहां पे क्या होगा, डार्क कलर्ड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमिक और मेलानाइज रीजन। दिस लेयर इज लेस डीपर इन फॉरेस्ट सॉइल देन द ग्रास लैंड। जो हमारे यहाँ पे ए रीजन होता है, A1 रीजन जो हमारे यहाँ पे होगा, A1 रीजन हमारा कैसा होगा, डार्क कलर का होगा, और इसके अंदर यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक मैटर रिच होंगे। ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से, जो हमारे यहाँ पे ह्यूमस है उसकी प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, इसी की वजह से हमारा कैसा होता है, यहाँ पे डार्क कलर का भी होगा। अब इस लेयर को हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस हमारा प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, यहाँ पे ह्यूमिक और मिनरलाइज्ड रीजन। ठीक है, और जो हमारा A1 जो रीजन है ना, ये हमारा जो फॉरेस्ट सॉइल होगी वहां पे हमारा कैसा होगा, लेस डीपर होगा एज कम्पेयर टू ग्रास लैंड। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे कौन सा होता है, A2 रीजन, लाइट कलर का होगा विद द लिटिल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता था, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ह्यूमस था वो हमारे यहाँ पे ज्यादा होता था ना, तो इसी वजह से ये हमारा कैसा होता था, डार्क कलर का होता था। लेकिन जो हमारा A2 यहाँ पे लेयर होगी उसके अंदर क्या होता है, ये हमारा लाइट कलर का होगा विद द लिटिल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल पार्टिकल आर ऑफ कंसिडरेबल साइज। दिस जोन इज कॉल्ड द पेडोजोइक और इल्यूवियल जोन और द जोन ऑफ लीचिंग, बिकॉज मिनरल एलिमेंट एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स आर लॉस्ट डाउनवर्ड रैपिडली इन दिस जोन। जो हमने यहाँ पे ए ओरिजिन की बात की थी ना, ए ओरिजिन को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इलिवेशन बोलेंगे। और अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर बिल्कुल बताया हो कि A1 या फिर A2 में से कौन सा हमारा यहाँ पे जोन ऑफ इलिवेशन होगा, तो उसके अंदर हम A2 को यहाँ पे हम क्या रखते हैं, जोन ऑफ इलिवेशन। अब इसी को हम यहाँ पे जोन ऑफ इलिवेशन क्यों बोलते हैं,
क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होता है, बिकॉज मिनरल एलिमेंट एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स आर लॉस्ट डाउनवर्ड रैपिडली इन दिस जोन। जो हमारे यहाँ पे डाउनवर्ड जो लॉस होता है, डाउनवर्ड जो हमारे यहाँ पे मूवमेंट्स होगी केमिकल्स वगैरह की, उसी को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, एलुवियेशन। और इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एलुवियेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, बी ओरिजन। ये हमारा कैसा होगा, डार्क कलर का होगा, कोर स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सिलिका रिच क्ले ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एलुवियल जोन। ये हमारा कौन सा था, एलुवियल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एलुवियल जोन, बिकॉज केमिकल लीच्ड फ्रॉम द ए ओरिजन आर कलेक्टेड इन दिस ओरिजन। जो हमारे ए ओरिजन से जो हमारे यहाँ पे केमिकल लीच हो रहे थे नीचे की तरफ, जो हमारे यहाँ पे जा रहे थे, वो बी ओरिजन के अंदर हमारे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, और इसीलिए आप क्या बोलते हैं, एलुवियल जोन। ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक मैटर में यहाँ पे सिलिका रिच क्ले ऑर्गेनिक मैटर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हाइड्रेटेड ऑक्साइड में यहाँ पे देखने को मिलते हैं एल्यूमिनियम और आयरन की। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओरिजन हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे ए ओरिजन और जो हमारे यहाँ पे बी ओरिजन है, ठीक है, अब ना जो बी ओरिजन है ना, इसको भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग यहाँ पे सब लेयर के अंदर हम कुछ जगह पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे अगर हमारे यहाँ पे जो बी ओरिजन है, अगर वो हमारे यहाँ पे लार्ज साइज है, यानी कि उसकी जो वॉल्यूम है अगर यहाँ पे ज्यादा होती है, ज्यादा डीपर अगर हमारा वो यहाँ पे रहेगा, तो उसको हम क्या कर देते हैं, अलग अलग यहाँ पे सब लेयर के अंदर डिवाइड कर देते हैं, B1, B2 एंड B3। और जो हमारे A1, A2 और जो यहाँ पे हमारा B1 होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा बिल्कुल लाइट अगर यहाँ पे है, इस ये ज्यादा डीपर यहाँ पे अगर नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे इसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड नहीं करेंगे, और डिवाइड नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, सिंपली हमारे यहाँ पे एक बी ओरिजन होगा। ठीक है, अगर ये हमारे यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होगी तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग सब लेयर के अंदर। तो जो हमारे यहाँ पे A1, A2 और जो यहाँ पे हमारा B1 होगा, ये सब यहाँ पे मिलके क्या करते हैं, A1A एंड B ओरिजन। जो हमारे यहाँ पे ए ओरिजन था ना, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे A1 और A2 आ रहे थे, A एंड B ओरिजन आर कलेक्टिवली कॉल्ड द सोलम और मिनरल सोइल। और इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन दोनों को, इनको हम यहाँ पे मिनरल सोइल या फिर सोलम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, सी ओरिजन। यहाँ पे हमने ओरिजन की बात की, देन ए की, देन बी की, इसको हमने दोनों को क्या बोला, यहाँ पे सोलम बोला था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, सी ओरिजन आएगा। दीज आर द मिनरल होरिजन बिलो द बी। ये हमारा बी के नीचे मिलेगा हमें, इट एक्सक्लूड ट्रू बेडरॉक एंड कंसिस्ट ऑफ द इनकम्प्लीटली वेदर्ड लार्ज रॉक्स। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे इनकम्प्लीटली वेदर्ड लार्ज रॉक्स। लास्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, जो हमारे यहाँ पे आर ओरिजन होगा, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, दिस इज अनवेदर्ड पोटेंशियल बेडरॉक। जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल लार्ज जो हमारे यहाँ पे रॉक्स रहती है, वो सब हमारे यहाँ पे किस कंसिस्ट करेंगे, यहाँ पे आर ओरिजन को। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल्स की। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ द फॉर्मेशन सॉइल कैन बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप। जो हमारे यहाँ पे सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसी के बेस पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉइल को दो टाइप के अंदर यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी होती है यहाँ पे रेजिडुअल सॉइल, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब ट्रांसपोर्टेड से यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे हमें यू नहीं पता कि हम किसका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारी सॉइल फॉर्मेशन थी, तो सॉइल फॉर्मेशन के अंदर हमने यहाँ पे दो अलग अलग स्टेप्स को यहाँ पे हमने पढ़ा था। फर्स्ट हमारा क्या होता था, वेदरिंग होती थी, ठीक है, लार्ज पार्टिकल हमारे यहाँ पे सॉइल फाइन पार्टिकल्स के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाते थे, जो हमारी लार्ज रॉक्स रहती थी। और सेकेंड हमारे यहाँ पे क्या होता था, पीडियोजेनेसिस। और इन दोनों की के बेस पे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सॉइल है उसके यहाँ पे हम दो टाइप लेके चलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे रेजिडुअल सॉइल होती है, ये क्या होगी, इट डिफाइन दो सॉइल इन विच द होल प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन इंक्लूडिंग वेदरिंग एंड पीडोजेनेसिस अकर एट द सेम प्लेस। अगर हमारी जो वेदरिंग है, जो हमारी यहाँ पे पीडोजेनेसिस है, अगर ये दोनों प्रोसेस अगर हमारी सेम प्लेस के ऊपर हो रही है, एक ही जगह पे, ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड। अब अगर आपको यहाँ पे इससे उसमें आ गया होगा कि यहाँ पे हमारे क्या होगा, जो हमारी वेदरिंग है वो हमारी अलग जगह पे होगी, और जो हमारे यहाँ पे पीडोजेनेसिस होगी वो हमारे यहाँ पे अलग जगह पे होगी। यानी कि वेदरिंग और जो पीडोजेनेसिस है, ये हमारी कहाँ पे होगी, डिफरेंट सेपरेट प्लेसेस पे। ठीक है, यानी कि वेदरिंग अलग जगह पे हुई है, और जो हमारे यहाँ पे स्मॉल पार्ट, वेदरिंग में क्या होता था, हमारे यहाँ पे स्मॉल फाइन पार्टिकल्स के हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती थी। तो जो हमारे यहाँ पे स्मॉल फाइन पार्टिकल्स है वो तो हमारे अलग जगह पे बने हैं, और वो जो भी यहाँ पे ट्रू सॉइल की जो फॉर्मेशन कर रहे थे वो हमारी अलग जगह पे होगी, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, यानी कि अलग जगह से हमारे यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स आए हैं। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट सॉइल वेयर वेदर्स रॉक आर टेकन अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस। दिस मीन्स दैट द वेदरिंग एंड द पीडोजेनेसिस अकर इन द डिफरेंट प्लेसेस। दिस
देर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांसपोर्टेड एजेंट। अब जो हमारे यहाँ पे वेदरिंग की थी पहले हमने, ठीक है, वेदरिंग में क्या हुआ था कि जो हमारे यहाँ पे लार्ज रॉक्स थे वो हमारे क्या हो गए थे यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड हो गए थे, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स थे ये हमारे क्या हो रहे थे, ये हमारे किसी दूसरे जगह पे जा रहे थे, ठीक है, और वहां पे जाके क्या हो रहे थे, इनकी पीडोजेनेसिस वहां पे हो रही थी, ठीक है। तो जो हमारे ये स्मॉल पार्टिकल है ये जो पीडोजेनेसिस जहाँ पे जो होनी है, जैसे कि ये हमारी कहाँ पे हो रही है, एक्स जगह पे हो रही है, ये हमारी कहाँ पे हो रही है, वाई जगह पे हो रही है। तो ये जो वाई प्लेस के ऊपर जो यहाँ पे हमारे स्मॉल पार्टिकल जो जाएंगे ये किसके थ्रू जाएंगे, कौन इनका यहाँ पे ट्रांसपोर्टर एजेंट है जो इनको यहाँ पे दूसरे जगह पे लेके जा रहा है, उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टेड सोइल है वो हमारे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो सकती है। जैसे कि अगर यहाँ पे सिंपली ग्रेविटी के थ्रू अगर हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह पे जा रही है तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोलुवियल सोइल। अगर यहाँ पे वाटर के थ्रू ये हमारे यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एल्यूवियल सोइल। अगर ये ग्लेशियर के थ्रू यहाँ पे अगर जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियल सोइल। और अगर ये सिंपली बैंड के थ्रू अगर यहाँ पे हमारे एक जगह से दूसरे जगह पे जा रही है तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इल्यूनियन सोइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये अलग अलग सोइल के टाइप हो जाते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे सोइल है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे टेक्सचर चार्ट रहेगा, यानी कि जो हमारा सोइल है उसके अंदर हमारे कौन कौन से साइज के टेक्सचर का मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सोइल है उसके अंदर हमारे जो अलग अलग यहाँ पे हमें पार्टिकल्स जो देखने को मिलते हैं, जो हमारे सोइल है इसके अंदर हमारे जो पार्टिकल्स यहाँ पे रहेंगे उनके साइज के बेसिस पे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सोइल के हमारे यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। उसी के यहाँ पे अगर हम चार्ट के थ्रू अगर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सोइल चार्ट, सोइल टेक्सचर चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे बताया कि यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो सोइल के अंदर पार्टिकल्स है उनके साइज के ऊपर यहाँ पे हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट शोज द परसेंटेज ऑफ द क्ले बिलो 0.002 मिलीमीटर। जो हमारे यहाँ पे क्ले होता है, क्ले पार्टिकल हमारे यहाँ पे इनका क्या साइज रहेगा, 0.002 मिलीमीटर, ठीक है। सिल्ट, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, सिल्ट, इनका साइज यहाँ पे क्या रहेगा, 0.002 to 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। ये क्ले हमारा क्या होता था, ये हमारा इससे भी कम साइज होता था, ठीक है। सिल्ट में क्या होगा, 0.002 to 0.05 मिलीमीटर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, सैंड, और इसका साइज हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, 0.05 यहाँ से लेके कहाँ तक, 2.0 मिलीमीटर तक, ठीक है। और इसी के बेसिस पे जैसे कि आप यहाँ पे एक ट्राइंगल यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे यहाँ पे क्ले, सिल्ट और जो हमारे यहाँ पे सैंड होती है इन्हीं की यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे परसेंटेज रहेगी, जैसे कि कोई हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर सॉइल है और उसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या है कि अलग अलग हमारे यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें क्ले हमारे यहाँ पे अगर 60% हो जाए, सॉरी 30% है, जो हमारे यहाँ पे सैंड है वो अगर यहाँ पे 60% है, और जो यहाँ पे सिल्ट है अगर वो यहाँ पे 10% है, तो जैसे कि यहाँ पे जो जैसे कि ये हमारे यहाँ पे 30 हो गया, ये हमारे यहाँ पे 60 हो गया, और ये हमारे यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो यहाँ पे कहाँ पे जाके मिलेंगे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आएंगे, ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे एक जगह पे जाके जब ये मिलेंगे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे, 1 मिनट, ये हमारा 10 के साथ यहाँ 60 के साथ करना है ना, ये हमारे यहाँ पे हो गया, ये हमारा 10 वाले के साथ यहाँ पे हो जाएगा, और ये हमारा इसके साथ। तो इनका जो ये बीच का जो हमारे यहाँ पे रीजन होगा, जैसे कि जो इनका कॉमन पॉइंट होगा ना वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारे यहाँ पे पॉइंट होगा जहाँ से हमारा 10 वाला भी यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे यहाँ पे आ रहा है, और ये हमारे यहाँ पे, तो जिनका ये कॉमन पॉइंट जो यहाँ पे होता है ना उसी को, वो हमारा कौन सा जगह यहाँ पे, सैंडी लोमी सोइल, ठीक है। जो हमारा ये ट्राइंगल है ना ये हमें यही बताता है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे अलग अलग जो इनके परसेंटेज यहाँ पे रहेंगे उसके बेस पे हमारे यहाँ पे अलग अलग सॉइल की जो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसी के बेस पे जो हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे टेक्सचर ग्रुप होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे सैंडी सॉइल होती है, लोमी सैंड सॉइल, लोमी सॉइल एंड सिल्ट सॉइल। तो ये हमारे जो अलग अलग यहाँ पे हमारे जो टेक्सचर ग्रुप है ना ये हमारे किसके बेस पे हैं, जो इनकी यहाँ पे हमारे कंपोजिशन रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी ना कि यहाँ पे हमारे अलग अलग पार्टिकल्स के साइज रहते हैं, क्ले, सिल्ट एंड सैंड, तो इनकी जो यहाँ पे कंपोजिशन होती है, जिसके लिए यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल की भी बात की थी, तो इसी के अंदर जो हमारे यहाँ पे मेजर जो हमारे यहाँ पे टेक्सचर ग्रुप रहते हैं जिसके अंदर हमारे यहाँ पे सैंडी, लोमी, लोमी सैंड, लोमी सॉइल एंड सिल्ट जो हमारे यहाँ पे सॉइल रहती है, तो इसकी अगर हम यहाँ पे कंपोजिशन की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें पहले सैंडी सॉइल के लिए, तो इसकी यहाँ पे कंपोजिशन क्या होती है, इसके अंदर 85% हमारे यहाँ पे सैंड होगी, और बाकी जो 15% है उसमें हमारी यहाँ पे क्ले भी हो सकती है, सिल्ट भी हो सकती है, और यहाँ पे हमारे दोनों भी हो सकते हैं। 85% यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा सैंड रहेगा।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें लोमी सैंड सोइल के लिए, तो इसके अंदर जो सैंड है उसका जो प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70%। बाकी 30% हमारे यहाँ पे क्ले और सिल्ट या फिर दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है लोमी सॉइल, ये हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर सैंड यहाँ पे कंपोजिशन कितना हो जाएगा 50%, और जो हमारे यहाँ पे बाकी का 50% होगा वो यहाँ पे क्या हो जाता है क्ले एंड सिल्ट और बोथ। ठीक है, लास्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है सिल्ट। सिल्ट हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे 90% तो सिल्ट हमारे होंगे, सिल्ट पार्टिकल, और बाकी 10% यहाँ पे हमें सैंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक्सचर ग्रुप हो जाते हैं और ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सोइल वाटर के लिए। अब जो सोइल है, सोइल का हमने एक कंपोनेंट की बात की थी, सोइल वाटर भी होता है, यानी कि जो हमारी सोइल है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे टोटल वाटर कंटेंट होगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलते थे, सोइल वाटर। अब जो यहाँ पे हमारा सोइल वाटर है ना उसके भी यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात करें, इन सोइल वाटर इज मेनली प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फाइव फॉर्म। अब जो यहाँ पे सोइल के अंदर हमारा जो वाटर होता है ना वो हमारे यहाँ पे पांच मेजर हमें यहाँ पे अलग अलग फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये हमारा क्या होता है सोइल पार्टिकल आर सराउंडेड बाई फिल्म ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ द वाटर हेल्ड टाइटली अराउंड द पार्टिकल ड्यू टू कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स प्लांट कैन नॉट टेक दिस वाटर इजली। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे सोइल पार्टिकल है इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पानी जो वाटर होता है ना वो हमारे यहाँ पे क्या कर लेते हैं फिल्म की यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा, एक लेयर यहाँ पे फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे इसके चारों तरफ जो यहाँ पे एक फिल्म की जो फॉर्मेशन हुई है वो हमारी किस वजह से होती है, यहाँ पे जो पार्टिकल और जो यहाँ पे वाटर होता है उनके बीच में जो यहाँ पे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की यहाँ पे फॉर्मेशन जो होती है। तो ये जो हमारे यहाँ पे वाटर इस जो सोयल पार्टिकल है इसके चारों तरफ यहाँ पे जो एक फिल्म की फॉर्मेशन कर रहा है ये हमारा कौन सा वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ना प्लांट उनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, इस पानी को जो प्लांट होंगे वो वहां पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा सोइल के जो पार्टिकल्स है उन्हीं के साथ रहेगा यहाँ पे मेनली केसेस के अंदर, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ना प्लांट कैन नॉट टेक दिस वाटर इजली, इजली यहाँ पर जो प्लांट है वो इनको यहाँ पे उनका अपटेक नहीं कर सकते हाइग्रोस्कोपिक वाटर का। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है कैपिलरी वाटर, ये हमारा क्या होगा दिस वाटर इज हेल्ड बिटवीन द सोइल पार्टिकल स्पेस एंड द एंगल बिटवीन देम। जैसे कि हमने पीछे ये बात की थी ना कि जो हमारे यहाँ पे सोइल पार्टिकल होते हैं इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या होती है कैपिलरी होती है। ठीक है, तो जो ये यहाँ पे एक कैपिलरी है या फिर जो यहाँ पे ये स्पेस होता है इनके अंदर जो यहाँ पे वाटर होगा ना उसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कैपिलरी वाटर। द वाटर इज हेल्ड बिटवीन द सोइल पार्टिकल स्पेस, जो हमारे यहाँ पे सोइल पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का जो यहाँ पे स्पेस होगा उसी के बीच को उस वाटर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कैपिलरी वाटर। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द वाटर फॉर द प्लांट, जो प्लांट है जो मेजरली यहाँ पे जिस वाटर को वो एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारा कौन सा यहाँ पे वाटर होगा कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है ग्रेविटेशनल वाटर, दिस वाटर मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द मोस्ट सोइल इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। जो हमारे यहाँ पे सोइल थी जो हमारे यहाँ पे लेयर होती है अपर लेयर इसके ऊपर जो यहाँ पे वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो गया था, तो ये जो यहाँ पे वाटर इकट्ठा हुआ है ना ये जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटी के थ्रू यहाँ पे जो अंदर की तरफ जाता है उसी को यहाँ पे क्या बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है कंबाइंड वाटर, दिस वाटर इज फाउंड इन द हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन आयरन एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। जो हमारे यहाँ पे कुछ मिनरल्स होते हैं मिनरल्स के साथ, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें जो आयरन है आयरन के साथ जो हमारे यहाँ पे वाटर कंबाइंड फॉर्म में, या फिर जैसे कि अगर एल्यूमिनियम की यहाँ पे हम बात करें सिलिकॉन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके साथ जो हमारे यहाँ पे जो वाटर है वो हमें यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में जब यहाँ पे देखने को मिलता है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कंबाइंड वाटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है वाटर वेपर्स, सम वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द स्पेस बिटवीन द सोइल पार्टिकल। जैसे कि हमने पीछे बात की थी ना सोइल एटमोस्फेयर की, वहां पे हमने वैकेंट स्पेस की बात की थी, तो कुछ हमारे यहाँ पे ऐसा स्पेस होता है जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहां पे हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में ना हो गए हमें कैसे फॉर्म में गैसियस फॉर्म या फिर वेपर फॉर्म में वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा वाटर वेपर्स। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो सोइल वाटर है उसके हमारे यहाँ पे पांच टाइप हो जाते हैं, पांच अलग अलग यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा वाटर जो है ना सोइल वाटर वो हमारा प्लांट के साथ किस रिस्पॉन्स में है किस रिजल्ट में है क्या उनका यहाँ पे रिलेशन है उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सोइल वाटर को यहाँ पे हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है होलार्ड, होलार्ड यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सोइल। हमारे यहाँ पे सोइल है सोइल के अंदर यहाँ पे हमारा जितना भी वाटर कंटेंट होगा वो सब हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेगा होलार्ड की। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है होलार्ड के अंदर। अब जो यहाँ पे होलार्ड है उसके अंदर हमारा कुछ ऐसा वाटर होगा होलार्ड है यहाँ पे उसके अंदर कुछ हमारा ऐसा वाटर होगा जो कि हमारा प्लांट यहाँ पे उनको अपटेक कर सकेगा। ठीक
प्लांट कैन अपटेक। और कुछ हमारे यहाँ पे ऐसा वाटर भी होगा जिसको कि प्लांट यहाँ पे अपटेक नहीं कर सकता, उसको यहाँ पे अब्जॉर्ब वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे वाटर है वो हमारे यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें से एक हमारे यहाँ पे क्या होगा जिसको प्लांट अपटेक नहीं कर सकते और एक को यहाँ पे प्लांट अपटेक कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारे दो अलग अलग कैटेगरी होती है, एक हमारे यहाँ पे होगा क्रिसाइड, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होता है इकार्ड। जो हमारे यहाँ पे क्रिसाइड होगा वो कौन सा वाटर होता है, वाटर इन द सॉइल दैट इज अवेलेबल टू द प्लांट, जिसको कि यहाँ पे जो हमारे प्लांट है वो यहाँ पे अपटेक कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं क्रिसाइड। और वो जो हमारे यहाँ पे वाटर जिसको कि प्लांट अपटेक नहीं कर सकते, वाटर दैट इज नॉट अवेलेबल टू द वाटर, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इकार्ड। कुछ तो हमारे यहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा प्लांट के लिए, कुछ हमारा अवेलेबल नहीं होगा, जो अवेलेबल हो जाएगा वो हमारे यहाँ पे क्रिसाइड और जो यहाँ पे नहीं होगा वो हमारा इकार्ड। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे क्रिसाइड और जो यहाँ पे इकार्ड है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे क्रिसाइड जो यहाँ पे इकार्ड, ये दोनों यहाँ पे मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे पोलार्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे किसके इक्वल होंगे, पोलार्ड के लिए। ठीक है, ये तो हमारा टोटल वाटर कंटेंट था, ये हमारे यहाँ पे वाटर कंटेंट अवेलेबल टू वाटर, और ये हमारा वाटर कंटेंट दैट इज नॉट अवेलेबल टू द वाटर। ठीक है, और इसी के बेसिस पे यहाँ पे आप इस डायग्राम को भी देख सकते हो जो कि हमने जो पीडी जो हमारे यहाँ पे बुक है, ठीक है, जैसे कि आगे हमने इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है पीडी शर्मा, तो जो हमारे यहाँ पे पीडी शर्मा के जो यहाँ पे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की जो बुक है उससे हमने यहाँ पे इस डायग्राम को लिया है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो सॉइल वाटर था उसको हमने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कंबाइंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे हमने जो वाटर वेपर है वो हमने यहाँ पे इसके अंदर नहीं शो की। तो जो हमारे यहाँ पे मेजरली अगर हम पांचों में से बात करें चारों की, तो इन चारों को हमने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इसके अंदर अलग अलग कैटेगराइज किया है। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें फील्ड कैपेसिटी के लिए, तो फील्ड कैपेसिटी के अंदर हमारे यहाँ पे कौन कौन सा वाटर आएगा, जो हमारा कंबाइंड वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर है या फिर जो कैपिलरी वाटर है, और जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटेशनल वाटर होगा वो हमारे यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें पोर स्पेस के लिए, जो हमें पोर स्पेस के अंदर जो हमें यहाँ पे वाटर देखने को मिलता है वो हमारा कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल जो वाटर होगा, ठीक है, अवेलेबल वाटर हमारा जैसे कि कंबाइंड जो वाटर था वो हमारे यहाँ पे प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं था, और उसके अलावा जो हमने यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर की बात की थी वो भी हमारे यहाँ पे प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता। और ये दोनों वाटर हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेंगे, जो यहाँ पे हमारा इकार्ड था, वाटर दैट इज नॉट अवेलेबल टू द वाटर, सॉरी प्लांट्स। ठीक है, नॉट अवेलेबल यानी कि हमारे यहाँ पे कौन सा हो गया, ये इकार्ड। जो हमारे यहाँ पे कंबाइंड और हाइग्रोस्कोपिक है ये हमारे किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, इकार्ड की। और जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल जो वाटर होता है वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, जो कैपिलरी वाटर होगा। ग्रेविटेशनल वाटर हमारे यहाँ पे कभी अवेलेबल हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे कैपिलरी वाटर होगा ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा हर टाइम प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहेगा, और ये हमारा यहाँ पे मेजरली किसकी फॉर्मेशन करता है, क्रिसाइड। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं जो हमारे सॉइल है उसके अंदर यहाँ पे हमें जो वाटर देखने को मिलता है उसके हमारे डिफरेंट टाइप। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे सॉइल के डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे टाइप्स रहते हैं, सॉइल प्रोफाइल, उसके अलावा जो सॉइल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उन सब के बारे में हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में बात की। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हमारे यहाँ पे यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा ब्रीफली अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, अगर आपको और भी ज्यादा इसके बारे में डिटेल में अगर यहाँ पे स्टडी करना हो, तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR लाइफ साइंस, गेट लाइफ साइंस, उसके अलावा DBT बैट JRF से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।